अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव के एक्सपोज के बारे में जानिए। इंडिया के संयुक्त प्रत्याशी 9 सीटों पर लड़ेंगे, सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर लड़ेंगे और बात सीट की नहीं जीत की है। कांग्रेस एसपी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, कांग्रेस के साथ आने से एसपी की शक्ति कई गुना बढ़ी है। संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव। और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बन गई है। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हैं। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ी है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। अब सवाल यह है कि एसपी और कांग्रेस में ये बात बनी कैसे। फिलहाल आपको इसी बारे में एक डिटेल देते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर हल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत के बाद निकला है। राहुल गांधी से अखिलेश की फोन पर लंबी बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने अखिलेश को यूपी में पूरी तरीके से समर्थन देने की भी बात कही है। साथ ही राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को उपचुनाव पूरी ताकत से लड़ने के लिए कहा। बदले में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से एसपी के उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। राहुल गांधी ने इसके बदले महाराष्ट्र में ऐसा ही बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। अखिलेश और राहुल गांधी में महाराष्ट्र पर भी सहमति बनी है और खबर यह है कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी 2 सिटिंग सीटों के अलावा 2 और सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। कुल मिलाकर एसपी को महाराष्ट्र में 2 से लेकर 4 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इसी सहमति के फॉर्मूले के तहत ये नतीजा आया कैसे? विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और विपिन, उपचुनाव को देखते हुए फैसला उस आधार पर भी था कि महाराष्ट्र में आखिर दोनों एक साथ होते हुए भी किस तरीके से सेटलमेंट करते हैं, आज उसी का ये नतीजा हम देख रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो काम आई है और इसीलिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए, यानी आज और कल का दिन सुरभि बाकी है। 2 दिनों में नॉमिनेशन करना होगा, लेकिन अभी भी 2 सीटों पर संशय बरकरार है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से 2 सीटों का ऑफर दे दिया था, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत को जानती है और कांग्रेस ये जानती थी कि अगर हम अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो समाजवादी पार्टी का वोट शिफ्ट नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एज होगा और बीजेपी चुनाव को, उपचुनाव को उन सीटों पर जीत जाएगी जहां पर कांग्रेस खड़ी है। इसीलिए ये फॉर्मूला निकाला गया कि उत्तर प्रदेश में आप हमें 2 सीटें दीजिए और हमारे उम्मीदवार आपके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और महाराष्ट्र में जिस तरह का दबाव बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की थी, 18 और 19 तारीख को वो महाराष्ट्र में थे और वहां बिना गठबंधन के ऐलान से पहले उन्होंने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और 12 सीटों की मांग कर दी थी। तो कांग्रेस दबाव में थी क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर सैक्रिफाइस किया था समाजवादी पार्टी ने, बट महाराष्ट्र में करने के मूड में नहीं थी। इसीलिए राहुल गांधी को आगे आना पड़ा, अखिलेश यादव से बातचीत की है और ये कहा है। अखिलेश यादव के उस ट्वीट में आपको साफ तौर पर यह नजर आएगा कि हमारे तमाम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन क्या 9 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे या 2 कांग्रेस के होंगे, इस पर संशय बरकरार है। आज सुबह 10:30 इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस और अपना रुख साफ करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में यह तय हो गया है जो फॉर्मूला है कि समाजवादी पार्टी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, 2 सिटिंग सीट और इसके अलावा 2 अन्य सीट दिए जा सकते हैं और 4 सीट पर गठबंधन की संभावना है। चलिए, आज दिन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विपिन आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।